एग्जाम में तो आप नहीं सोते, तीसरे एग्जाम में आप पूरे दिन सोते ही रहते हो क्योंकि आपको नींद आती है। नींद बहुत जरूरी है। और आप दिन भर सोते रहो ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है और आप बोल रहे हो भैया जो बोल रहे थे सो क्लास क्लास सोने की बात नहीं कर रहा, मैं घर पे सोने की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम 5 घंटे 6 घंटे की आप नींद ही लीजिए, वो भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड स्ट्रेस, आपकी चिंता को अवॉइड करो। अवॉइड स्ट्रेस, चिंता को दूर रखें। अवॉइड स्ट्रेस का मतलब फ्रेंड्स ये है कि कई बार क्या होता है आप टेंशन लेते हो किस चीज का, वो भी एग्जाम के टाइम पे, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, चिंटू ने ऐसा किया था, मैं भी उससे बदला लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो पिछले साल तो ऐसा हुआ था, इस बार ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब एग्जाम का पीक टाइम आपका जहां भी आपको कंसंट्रेशन देना है पढ़ाई में स्टडीज में, और आपका कंसंट्रेशन जा रहा है टेंशन में, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, इस समय जब आपको कंसंट्रेशन देना है अपना पढ़ाई में तो इन टेंशन को दूर रखिए। इसका सॉल्यूशन आपको करना है तो आप बाद में कर लीजिए, और वैसे भी कहा गया है कि चिंता चिंता के समान है, अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप एग्जाम में भी फेल होगे और वो टेंशन भी आपकी सॉल्व नहीं होने वाली, तो उसको साइड में रखिए, उसको दूर रखिए अपने आप से। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट डाइट, जूस लीजिए, पानी लीजिए, हम पानी नहीं पीते प्यास ही नहीं होती, तो हम पानी नहीं पीते, लेकिन पानी आपको पीना चाहिए, आपकी बॉडी को आपको हाइड्रेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग चाय और कॉफी पीने के शौकीन होते हैं, चाय और कॉफी में आपको पता है कैफीन होता है, कैफीन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक है, कॉफी और चाय को आप अवॉइड करें। पानी पीजिए, आप नींबू की शिकंजी पीजिए, आप जूसेस पीजिए, वो आपको ज्यादा फायदा करेंगे, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ, रिवॉर्ड मतलब अपने आप को पुरस्कृत करें, आप मोटिवेट करें अपने आप को, आपको मेन काम आपका क्या है, आपने टारगेट क्या बनाया, अंकित से बात करनी है आपको, लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने